गरुड़ पुराण सारोद्धार दूसरा अध्याय। इस अध्याय में यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन किया गया है। बैतरणी नदी का स्वरूप क्या है, किस प्रकार की ये नदी है, ये बताया गया है। फिर इसी अध्याय में यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः गमन, जिन पुरों का नाम आपने प्रथम अध्याय में श्रवण किया था, उन पुरों में जीव प्रवेश करता है और उन पुरों में किस प्रकार का कष्ट मिलता है, इसका वर्णन किया गया है। तथा इसके बाद इसी अध्याय में पुत्रादि के द्वारा दिए गए पिंड दान को वो जीव ग्रहण करके किस प्रकार से कुछ सुख पाता है, इसका वर्णन किया गया है। गरुड़ वाच कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति यथा पापस तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है, पापी लोग वहां जिस प्रकार जाते हैं, वह मुझे आप सुनाइए, मुझे सुनने की इच्छा है। भगवान उवाच यम मार्गम महादुख प्रदमते कथयाम्यहम् मम भक्तोपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कम्पितः। भगवान ने कहा कि हे गरुड़, महान दुख प्रदान करने वाला यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूं, मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर के कांप उठोगे, इतना वो दुखदाई यम मार्ग है, कष्टप्रद वो यम मार्ग है। हे गरुड़, यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं है जहां प्राणी विश्राम कर सके, उस मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके, वहां कहीं जल भी नहीं दिखता जिसे अत्यंत तृषातुर वह जीव पी सके, वहां प्रलय काल की भांति बारहों सूर्य तपते हैं, उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवाओं से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा वो डसा जाता है, वह पापी कहीं सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों द्वारा खाया जाता है, तो कहीं बिच्छुओं द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है, तब कहीं अति भयंकर महान अशीपत्र वन नामक नगर में वह पहुंचता है जो 2000 योजन विस्तार वाला बताया गया है। वह वन कौओं, उल्लुओं, वटों, गिद्धों, सरघों तथा डांसों से व्याप्त है, उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है, असी पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है, कहीं अंधे कुएं में गिरता है, कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छुरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, ऐसा कष्टप्रद ये असी पत्र वन है। कहीं घने अंधकार में गिरता है और कहीं उग्र भय उत्पन्न करने वाले जल में गिरता है, कहीं जोंकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है वो जीव, तो कहीं चलते चलते कीचड़ में गिर पड़ता है, कहीं तपी हुई बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग, कहीं अंगार की राशि और कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है उस जीव को। देखिए ये जो कष्ट बताए गए हैं और ये जो इस प्रकार की यात्राएं मिलती है, ये यातनाएं केवल उन पापियों को मिलती हैं जिन पापियों ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी धर्मानुष्ठान नहीं किया, कभी स्वधर्म का पालन नहीं किया, सदा वो पाप में लगे रहे,
सदा वो दुराचार में व्यभिचार में लगे रहें, उन्हें ही ऐसा कष्ट मिलता है। फिर आगे सुनिए, कहीं अंगार की वृष्टि होती है और कहीं बिजली गिरने के साथ शिला वृष्टि होती है, कहीं रक्त की, कहीं शस्त्र की और कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, और इन सब से होता हुआ उस जीव को निकलना पड़ता है, चलना पड़ता है। एक बात और बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि जो शरीर इन सब यातनाओं को महसूस कर सकता था वो शरीर तो नष्ट हो गया, यानी हमारा ये शरीर यही नष्ट हो गया, जल गया, तो फिर ऊपर में हमें कष्ट कैसे मिलेगा? क्योंकि कुछ लोग तो बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, कहते हैं गीता में तो बताया गया है कि आत्मा को कोई कष्ट, आत्मा को कोई पीड़ा बता देते ना, कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति भावकः, कि आत्मा अजर अमर है, न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती, न जल डुबो सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो आपको बताऊं कि उन जीवों को पुत्रादि के द्वारा जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उन पिंडों से शरीर का निर्माण होता है, और शरीर का जब निर्माण होता है एक हाथ लंबा शरीर का, तो उस शरीर को ये सब यातनाएं प्राप्त होती है, और उस शरीर के माध्यम से उस जीव को ये सब दुख मिलता है, जो मैंने प्रथम अध्याय में, पहले अध्याय में विस्तार से बताया था। तो कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है मार्ग में, कहीं गहरी खाई है, कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई, और कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। वहां मार्ग में कहीं घना भयंकर और तो कहीं दुख से चढ़ी जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद रक्त तथा विष्ठा से भरे हुए तालाब से निकलना पड़ता है। तो यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी है, वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य, उसकी वार्ता ही भय पैदा करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है। देखिए, अब वैतरणी नदी के विषय में बताया जा रहा है। वह देखने में बड़ी दुखदायिनी है, वह 100 योजन चौड़ी है, उसमें पूय यानी कि पिब और मवाद और शोणित यानी कि रक्त बहते रहते हैं, हड्डियों के समूहों से तट बने हुए हैं उस नदी के, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार की जाने वाली है, अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशालकाय ग्राहों यानी कि घड़ियालों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धूम से भरकर कड़ाह में रखे हुए घृत के समान फौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों के चारों ओर, कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। ब्रज के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध एवं कौओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार मगर जोंक मछली कछुए तथा अन्य मांस भक्षी जलचर जीवों से भरी हुई है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हा पुत्र, हा तात, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करते हैं। उस नदी में जो रक्त इत्यादि बह रहा है उसी का पान करते हैं, रक्त मब पिब इत्यादि का। वह नदी झाग पूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त महाघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते, बेहोश होने लगते हैं, इतना वो कष्टप्रद दिखाई पड़ रही है।
बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं, क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले जाते हैं। हे खग, हे गरुड़, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता है। बहुत दिनों तक पापी जन उसमें कष्ट पाते हैं। वह अत्यंत दुख पूर्वक तरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। पाशेन यांत्रतः केचिद दृश्यमानस्तथा कुशैः। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी उसमें जाते हैं। कुछ पापी पाश से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाए जाते हैं। अच्छा, जब पापी जन जीव उस नदी से होकर के नहीं गुजरना चाहते हैं तो यम के जो दूत होते हैं उसके पीठ पर तलवार रखते हैं और नोक रख करके उसके पीठ को छेदते हुए ढकेलते हुए और ले जाते हैं। कुछ जीवों को पास लगा करके खींच लिया जाता है तो कुछ जीवों को क्या किया जाता है, उनके नाक में मछली पकड़ने वाली बंसी के कांटे लगा करके खींचे जाते हैं। तो इस प्रकार से महान कष्ट मिलता है उन्हें। कुछ नाग के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं, कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कौओं से खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं, अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त बवन करते हुए तथा उसी बवन को पुनः पीते हुए चलते हैं। उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानी का अनुभव करते हैं और अतीव दुखित होकर यमलोक को जाते हैं। जब इतना कष्ट मिलता है तब वो जीव अपने द्वारा किए हुए उन पापों को याद करता है, थोड़े से सुख के लिए, क्षण भर के सुख के लिए मैंने दुराचार किया, व्यभिचार किया और आज देखो ना उस क्षण भर का सुख मुझे कहाँ ढकेल दिया है। और आज तो ये कष्ट इतना लंबा है, इतना बड़ा है, विशाल है, कष्टप्रद है कि एक एक पल एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे ध्यान रखिए, ये जो क्षण भर के आनंद के लिए, मजे के लिए, मौज के लिए पाप किया जाता है, इसमें कुछ नहीं रखा है। क्षण भर के पाप के चक्कर में लोग वैतरणी नदी में गिरते हैं, दुष्कर इस यम मार्ग पर चलते हैं जिस पर महान कष्ट मिलता है, बहुत ही अधिक कष्ट मिलता है। सदा याद रखिएगा, ये मन है निश्चित ही ये आपको सताएगा, परेशान करेगा, गंदी जगह है जाने को ये कहेगा, आपका ध्यान बार बार बुरे स्थानों पर, गंदी जगहों पर जाएगा उस समय। अच्छा, ये जो समय होता है ये क्षण भर का ही होता है, कुछ समय का ही होता है। हम जब पाप करते हैं ना, व्यभिचार या दुराचार करते हैं तो ये क्षण भर यदि स्वयं को आप संभाल लें तो फिर वो समय टल जाएगा, आप बहुत बड़े पाप से बच जाएंगे। जब यदा कदा यदि ऐसा मन होने लगे तो याद रखिएगा, भगवान का नाम उच्चार कीजिए, जोर जोर से भगवान का नाम लीजिए, भगवान का भजन सुनिए, भगवान का कीर्तन करने लगिए, मंदिर में जाकर के बैठ जाइए और फिर भी ना मन माने थोड़ा शमशान का दर्शन कर लो कि ये सब कुछ नहीं साहब, सब ऐसे ही चला जाता है। मंदिर का सहारा लीजिए, भगवान के नाम का सहारा लीजिए और उस क्षण को किसी प्रकार से व्यतीत कीजिए तो आप महान पाप से बच जाएंगे।
तो इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हा पुत्र हा पौत्र इस प्रकार पुत्र और पौत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इस प्रकार विलाप करते हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ और उसे प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया, यह मैंने क्या किया, मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की पूजा की नहीं, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं, अतः हे जीव प्राणी ग्लानि करते हुए स्वयं को कोसता है, अतः हे जीव तुमने जो किया है उसी का फल अब तुम भोग रहे हो, अब क्यों तुम पछता रहे हो। अपने आप को वो जीव कोसता है, हे देही तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की सेवा की नहीं, कभी भी दूसरे का उपकार किया नहीं, इसलिए हे जीव जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा भी प्रयास किया नहीं, इसलिए हे देहिन हे देही तुमने जो किया है उसी से अपना निर्वाह करो। अब तुमने नित्य दान किया नहीं, गौओं के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण माना नहीं, पुराणों को सुना नहीं, विद्वानों की पूजा की नहीं, इसलिए हे देही जो तुमने किया है उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। नारी जीव भी पश्चाताप करते हुए कहता है कि मैंने पति की हितकर आज्ञा का पालन किया नहीं, पातिव्रत्य धर्म का कभी पालन किया नहीं, और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान कभी दिया नहीं, इसलिए हे देहिन जो तुमने किया उसी का अब फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं एवं मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से तथा चांद्रायन व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमों के पालन से शरीर सुखाया नहीं, पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था, इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ यम मार्ग में चलता है। हे तार्क्ष इस प्रकार 17 दिनों तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर नामक नगर में जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है, वहां पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वट वृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है, वहां दुखी होकर वह स्त्री पुरुष के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है, वह अपने धन भृत्य पौत्र आदि के विषय में सब सोचने लगता है, और जब वह सोचने लगता है तो वहां रहने वाले यम के किंकर उससे इस प्रकार कहते हैं कि धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है, बंधु बांधव कहाँ है, हे मूढ़ जीव अपने कर्मोपार्जित फल को ही भोगता है, इसलिए सुदीर्घ काल तक इस यम मार्ग पर चलो। हे परलोक के राही तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथे ही होता है। पाथे किसे कहते हैं, तो यात्रा के लिए जो हम कुछ सामग्री ले जाते हैं अपने भूख प्यास से अपने आप की रक्षा करने के लिए भोजन इत्यादि, उसी को पाथे कहते हैं।
तो हम सामान्य यात्रा जब करते हैं तो पाथे के रूप में भोजन पानी ले जाते हैं, लेकिन जब हम परलोक की यात्रा करते हैं तो हमारे लिए पाथे क्या है, भोजन पानी क्या है, तो भगवत नाम धर्मानुष्ठान यज्ञ कर्म इत्यादि ही हमारे लिए पाथे है। तो जिसके लिए तूने प्रयास कभी किया ही नहीं, यानी कि परलोक की यात्रा के लिए तूने कोई किसी प्रकार की पाथे की का बंदोबस्त किया ही नहीं, तो यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चित ही उस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता, वहां कोई उधारी नहीं होगी। हाँ, यह मार्ग तो बालकों को भी विदित है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुद्गरों से पीटा जाता वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है, उसके बाद वह जीव शौरीपुर को प्रस्थान करता है। उस शौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जंगम नामक राजा रहता है। उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है। वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है। बांधवों द्वारा दिए गए पिंड जल वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे जाया जाता है, ले जाया जाता है। 3रे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है। वहां 3मासिक पिंड खाकर आगे चलता है। 4थे मास में वह शैलागमपुर में पहुंचता है और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां 4थे मासिक पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुंचता है। क्रौंचपुर में स्थिर वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर में पहुंचता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त उन षाण्मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्र भवन नामक पुर जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह जीव डर से भागता है। तब सामने आकर कैवर्त यानी कि धीवर उससे यह कहते हैं, हम इस महावैतरणी नदी को पार कराने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें तुम बैठ सकते हो। किस प्रकार का पुण्य? तो बताते हैं कि तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण यानी कि देना बांटना कहा है। यह वैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा जाता है। याद रखिएगा, जो लोग दान करते हैं, दान देते हैं, उनके लिए वैतरणी नदी को तैर करके पार करने का विधान नहीं है। उनके लिए नाव आती है और वो वैतरणी को पार कर लेते हैं, यदि आपने दान किया है तो। लेकिन यदि आपने दान नहीं किया तो उस वैतरणी नदी को तो तैर करके ही डूबते हुए पार करना होगा। कहता है कि यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत विलाप यानी कि रोने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है,
ऐसा पाप आत्मा उसी वैतरणी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां श्राण मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। सातवें मास में वह बहवा पदपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तम मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को खाकर वह दुख नामक पुर को जाता है, दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख प्राप्त करता है। वहां आठवें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और नवा मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदनपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदगणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला वह जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता है, यानी कि रोने लगता है। उस पुर को छोड़कर वह यम दूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ दसवें महीने अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता है। ग्यारहवां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और रौद्रपुर के द्वारा दिए हुए एवं पुत्रादि के द्वारा दिए हुए एकादश मासिक पिंड को वहां खाता है। साढ़े ग्यारह मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षन नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं। वहां पर दुखी वह प्रेत उनाब्धिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव शीताढ्य नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुणी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी और क्षुधित वह जीव इस आशा से दशों दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा पुण्य कहाँ है। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, हे गरुड़ जी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके वह यमदूतों के साथ आगे जाता है। हे गरुड़ जी, जिन्होंने और्ध्वदैहिक यानी कि मरणकालीन दान नहीं दिए हैं, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। हे आकाशगामी गरुड़, धर्मराजपुर में 4 द्वार है, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग से पापी जन जाते हैं, जिनका वर्णन तुमने सुना है। इस महान भयंकर मार्ग में भूख प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम्हें और क्या सुनने की इच्छा है, वह मुझे कहो। इस प्रकार से हमने गरुड़ पुराण सारोद्धार का ये 2रा अध्याय श्रवण किया है। अब हम 3रा अध्याय श्रवण करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की।